अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन आवर लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। आज हम किधर जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं, की करना स्कूल जी? तो जनाब आज हम लोग जा रहे हैं, मीट द टीचर नाइट है इनके स्कूल में। मीकाईल एंड जिब्राइल अब जाएंगे हमारे एलिमेंट्री स्कूल में, बैबरस हाई स्कूल में, दजाना खैर से यूनिवर्सिटी में। तो चलें बच्चों, आर यू रेडी? Yes. चलो चलते हैं। चलो जनाब, तो मैंने कहा इस दफ़ा आप लोगों को सारी वीडियोस मैं डिटेल से दिखा दूं, छोटे छोटे स्कूल के टूर्स भी दे दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ के स्कूल अंदर से कैसे दिखते हैं, उनकी बिल्डिंग्स कैसी होती हैं, क्लासरूम्स के सेटअप कैसे होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये देखने का बड़ा शौक होता है कि गुल प्लीज़ ये ज़रूर दिखाएगा। तो चले आज वो दिन आ गया। आज मेरे दो छोटे जो बच्चे हैं, इन दोनों का है जी मीट द टीचर नाइट। इसमें क्या होता है कि आपको एक दिन पहले आपकी क्लास के जो बच्चों की स्टूडेंट्स की सारी लिस्ट वगैरह आपके घर आ जाती हैं, आपको टीचर का नाम आ जाता है, उसके बाद आपके लिए वो दे देते हैं कि आपको किस डोर से एंटर होना है, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा डोर्स हैं, आई थिंक 5-6 डोर्स हैं। तो हर स्कूल से डिफरेंट ग्रेड्स के बच्चे जो हैं वो एंटर और एग्ज़िट होते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं जी, ये है जी हमारा स्कूल हमारे घर के बिल्कुल पास। आपने देखा हम अपनी गली बस निकले हैं बाहर और साथ निकलते ये सामने एक स्कूल है। इस स्कूल में मेरे माशाल्लाह चारों बच्चों ने यहीं से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप दजाना कहीं और चला गया, बैबरस कहीं और चली गई, और अब मीकाईल एंड जिब्राइल स्टिल इधर है। मीकाईल के लास्ट 2 ईयर्स हैं और जिब्राइल का तो अभी काफ़ी साल बाकी रहते हैं। तो जनाब जब भी अब हम लोगों ने जब घर ख़रीदा था तो ये स्कूल सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी उसमें, कि हम लोग उस जगह पे एक घर ले लें जहाँ पे स्कूल करीब हो, ताकि आपके बच्चों को स्कूल बसेज़ वगैरह ना लेनी पड़ती हों। स्कूल में हम एंटर हुए तो देखें उन लोगों ने सारे ग्रेड्स के हिसाब से एरोज़ बनाए हुए हैं कि कौन से ग्रेड्स किधर हैं। मिडिल वाले जो हैं वो अपस्टेयर्स हैं, जो जूनियर आए होते हैं ग्रेड 7, 8, 9, एंड बाकी कुछ हैं जी राइट साइड पे, कुछ हैं जी लेफ्ट साइड पे। बच्चे वॉलंटियर करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, आने वालों को ग्रीट करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पानी की बॉटल्स देते हैं। तो ये एक बड़ा एक अच्छा सिस्टम होता है। तो आज के दिन क्या था कि हमारा 3 to 5 दो घंटे का टाइम था, जिसमें मीट द टीचर नाइट उन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ की हुई थी कि जिसने भी अपने टीचर को मिलना है। ये इतना मैंडेटोरी नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स को काफ़ी कन्वीनियंट फील होता है कि अगर वो जल्दी से एक दिन पहले जाके अपने बच्चों के क्लासरूम, उनके डोर्स देख लें, तो उन लोगों के लिए बड़ा ये ईजी रह जाता है कि नेक्स्ट डे जब वो उनको ड्रॉप ऑफ करने आएंगे तो उनको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि स्कूल के कहाँ जाना है और कौन से डोर से जाना है। तो ये जनाब स्कूल में एंटर होते ही 2-3 कॉरिडोर्स हैं, तो हम लोग जा रहे हैं जी लेफ़्ट साइड वाले कॉरिडोर में। इस साइड पे आएगी जी जिब्राइल की क्लास, जो किंडरगार्टन 2 ग्रेड 6 तक हैं वो मेन लेवल के ऊपर हैं, लाइब्रेरी जिम सब कुछ इनका मेन लेवल पे है। लेकिन इनके जो हाई स्कूल की क्लासेज हैं वो अपर लेवल पे हैं, जहाँ पर मैं आपको बाद में लेके जाऊँगी जब हम मीकाईल को लेके जाएंगे। ये हैं जी वॉशरूम, यहाँ पे ये वॉशरूम एवरी अदर कॉर्नर पे बने होते हैं, गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज़ के अलग हैं। तो ये देखें नीट क्लीन, बिल्कुल जैसे घर के वॉशरूम्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वॉशरूम इतने गंदे हो कि जिसमें जाया ना जा सके, जिसको यूज़ ना किया जा सके। तो ये भी अच्छी बात है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ के सेपरेट वॉशरूम्स हैं। हालाँकि आपको पता है ऐसे मुल्कों में ऐसी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होती, लेकिन लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब हम लोग आ गए हैं जी जिब्राइल की क्लास की तरफ, और ये है जी जिब्राइल का डोर जहाँ से जिब्राइल निकलेगी और वापस आएगी। Okay, Jibrael, welcome to my class. I'm so glad to have you. Aww. So you're going to write your name on a sticky right behind your mom there, and then you're going to choose a desk, okay? There's lots left, so you can do that. There's Sharpies in that jar you can use to write, okay? Okay. One, two, I'm just now realizing we left the supplies at home. Oh. I told you about okay, we can bring it tomorrow, yeah. So who are your guys' teachers? I'm going to chef, so I don't know. You're grade 10? Yes. Okay. Great. Right. Okay, of course you are. Oh, yeah. That's exciting. So did you start? You start tomorrow as yeah. well? Okay. That's so exciting. Are you nervous or scared? Very nervous, really. I have no idea the layout of school, but we're going to find out. Yeah. I know Danielle. Oh, because she was online, I think. Yeah, she was grade 3 and my grade 2. Mm-hmm. Do you have any of your best friend in your class? I do not know yet. You can walk around and take a look. Yeah, go and have a look, the name. Danielle's feeling really shy because she's been online, I think. Yeah. Is that right? Since the COVID started? I think so. Oh. Yeah, she was online last year, I think. Yeah, she has a twin, right? Yeah. Okay, you can. Olivia. Okay, and Mrs.
Kirby's class. So yeah, so you can exit here. Jibril, you can see the names. It's a beautiful classroom. It's very nice. Yeah. You can go through all the names, Jibril. चले जी, ये है जी जिब्राइल की क्लास, और ये थी जिब्राइल की क्लास टीचर. तो ये होता है जी माहौल इनकी क्लास का. मैंने कहा जो आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाएं. टीचर की ये जगह है, यहाँ पे टीचर बैठती हैं. नॉर्मली टीचर्स यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर्स देते हैं, और ईजीली बच्चे उनको लाइक कोई भी बात करनी है, कुछ भी करना है, तो बच्चे ईजीली उनसे बात कर सकते हैं. ये छोटा सा एक स्टडी रीडिंग कॉर्नर भी बना होता है क्लास में, अगर किसी बच्चे ने बैठ के रीड करना है कुछ. ये रीडिंग है, ये इनकी एक्टिविटीज़ हैं. आप देख लें क्या खूबसूरत सा माहौल है, वेरी नाइस. तो चलें जनाब, जिब्राइल ने अपना जो उसको पसंद थी उसकी जगह वो उसने पिक कर लिया. अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और अब हम लोग जाते हैं जी मिकाइल के क्लास की तरफ, जो कि है अपस्टेयर्स. मैंने आपको पहले बताया ग्रेड 7, 8, 9, वो तीनों जो ग्रेड्स हैं वो ऊपर होते हैं. तो हम आपको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर का आपको एक ओवरव्यू भी दिखाती हूँ कि इन हाई स्कूल्स के ऊपर का जो सारा सेटअप है वो कैसा होता है. तो चलें जनाब, मैं आपको लेके चलती हूँ. यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और मिकाइल की क्लास है जी हमारी लेफ्ट साइड पे. तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे इंटर होते ही क्लासेस साइडों पे, और ये जो मिडिल में आपको सारी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे बच्चे बैठ के लंच खाते हैं अपना. यानी आप कह लें एक तरह से ये कैफेटेरिया कह सकते हैं आप लोग, लेकिन ये सिर्फ आपका डाइनिंग टेबल से ये बना देते हैं. बेंचेस नीचे आ जाते हैं, स्टूल्स, एंड फिर बच्चे अपना लंच या अपने स्नैक्स वगैरह वो यहाँ पर बैठ के खा लेते हैं. तो यहाँ पर सब बच्चों की लिस्ट वगैरह लगी होती है, कौन से कोर्सेज़ उनकी कौन सी क्लास में है यहाँ पर, क्योंकि ये होता है कि जूनियर हाई में बच्चे के क्लासरूम चेंज होते रहते हैं. बच्चों एक क्लासरूम में जाते हैं, वहाँ से फिर दूसरे क्लासरूम में, वहाँ से फिर तीसरे क्लासरूम में. और ये देखें, मिकाइल का नाम इस लिस्ट में हमें नज़र आ गया था. ये है जी मिकाइल का नाम. चलें अंदर लेके आपको जाती हूँ, और अब आपको मैं दिखाती हूँ मिकाइल की क्लास, क्योंकि वो बड़ा एक्साइटेड था. क्योंकि इनको ये होता है कि क्लासरूम इनका सिर्फ दो, आई थिंक ये इसका मैथ्स एंड सोशल का क्लास होगी इसमें, बाकी सारी क्लासेस के लिए इसको दूसरी जगहों पर ही जाना पड़ेगा. So ये है जिनका बोर्ड. टीचर इधर बैठती हैं, ये टीचर का टैंड. डू इट जिब्राइल हर जगह पे जाके ना खुश हो जाती है, इसको सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. सो मिकाइल, डू यू लाइक दिस? हाँ, डोंट यू नो हाउ मेनी लाइक एनी ऑफ योर फ्रेंड्स आर इन योर क्लास येट और नो? दे आर, यू आर लकी देन. हाँ, जिब्राइल हैज़ टू मेक न्यू फ्रेंड्स. हाँ जिब्राइल, यस. एंड वो देखिए भाई, मिकाइल की टीचर ना बैबरस के साथ गप्पे लगा रही है, क्योंकि वो बैबरस की टीचर रह चुकी है. ये दोनों बैठे हैं, गप्पे लगा रही हैं. वेट, स्टे देयर, स्टे देयर. ओके, यू वांट टू गो एंड सी द नेम्स? चलें जनाब, अब हम लोग फ्री हो गए हैं जी जिब्राइल की क्लास से. अब हम जा रहे हैं मिकाइल की क्लास से, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे. तो मैंने कहा बाहर जाने से पहले आपको मैं दिखा देती हूँ ज़रा इनका लाइब्रेरी जैसी इनकी नज़र आती है. ये जिनके स्कूल की लाइब्रेरी, इतना खूबसूरत सा माहौल, इतना मज़े का माहौल है. मैं आपको डिटेल से भी सब चीज़ें दिखाती हूँ, एंड आई नो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी. चले, मैं आपको डिटेल्स में सब कुछ दिखा देती हूँ. चलें जी, ये है जी बच्चों की लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी. ये देख लें क्या खूबसूरत, उन्होंने कितनी मज़े की कलरफुल सी लाइब्रेरी बनाई हुई है. तो यहाँ पे, हाँ वाह, व्हाट इज दिस फैब्रिक है कि ये? द लॉग थिंग्स. हाँ, व्हाट इज, हाँ, दीज आर लॉग्स, देयर पिलोस, दीज आर सॉफ्ट पिलोस. वाओ, अमेजिंग, सो नाइस. तो ये देख लें, so anybody can use it. ये देख लें जी लाइब्रेरी, और वो उसकी लाइब्रेरियन है जो उधर पीछे खड़ी है औरत. क्या? These are her photos up there on that pillar right there. Which one? That one right there, the one pillar. Oh, okay. And I was gonna take a picture of Jill when she was younger, but क्यों? I don't know. Okay. ये देखना, ये जी बच्चों की स्कूल लाइब्रेरी है. दैट्स सो नाइस, वेरी वेरी नाइस. सो
तो चलें जनाब, मैंने सोचा कि आज आपको ये मैं सारी की सारी वीडियो मैं बना के दिखा दूँ ताकि आपको अच्छी लगे। ये थी जी जिब्राइल की किंडरगार्टन की क्लास, जो जिब्राइल ने जहाँ से स्कूल को स्टार्ट किया था। बड़ा फ्रेंडली सा माहौल, बहुत ही फ्रेंडली टीचर्स, बड़ा ही अच्छा स्टाफ, सब कुछ बहुत मज़े का होता है। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज आपको ये स्कूल का जो मैंने डिटेल विजिट करवाया अंदर से, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे, मैं मिलती हूँ आपके साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।